तो दोस्तों, जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होते हैं, जैसे कि इवेंट्स में उसके फेजेस होते हैं, दो फेज होते हैं, और मैनेजमेंट में किस तरह उसकी डिलीवरी होती है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ शोल्डर और डिलीवरी ऑफ ट्रंक, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि इंट्रोडक्शन। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है और ख़त्म कब होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की स्टार्टिंग होती है आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की स्टार्टिंग होती है, जो कि डायलेटेशन, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के बाद होती है। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स फुल डायलेट हो गया उसके बाद होती है फुल डायलेटेशन। ये देखिए, इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि इसमें सर्विक्स फुली डायलेटेड है एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस, और फीटस के एक्सपेल आउट होने के बाद, बाहर आने के बाद का, बाहर आने के बाद जो पीरियड, तब तक का जो पीरियड होता है उसको सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दिस स्टेज इज कंसर्न विद द डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। मतलब डिसेंट मतलब बेबी का नीचे की तरफ जाना थ्रू बर्थ कैनाल एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, तब तक फुली सर्विक्स डायलेट एंड डिसेंट ऑफ द बेबी थ्रू बर्थ कैनाल आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है, वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है। फिर उसके बाद हम अगला देखेंगे, इंट्रोडक्शन था। उसके बाद फेजेस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इस सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दो फेज होते हैं, जैसे कि प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में फुल डायलिटेशन, जब मदर, जब सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हुआ और जो बेबी था वो टचेज द पेल्विक फ्लोर, बेबी का जो हेड होता है वो पेल्विक फ्लोर को टच करता है, तब तक को आप प्रोपल्सिव फेज में लेते हैं। उसके बाद आता है एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज में जब जो बेबी होता है वो पेल्विक फ्लोर के पास आ जाता है, सर्विक्स फुली डायलेट होता है, तो उसके बाद मदर के अंदर एक अर्ज उठती है पुश करने की, बेबी को पुश करने की, टू डिज़ायर टू बियर डाउन पुश अंटिल द बेबी, तब तक जब तक बेबी डिलीवर ना हो, तब तक की प्रोसेस को, सॉरी ड्यूरेशन को एक्सपल्सिव फेज बोलते हैं। टाइम, सिंस द टाइम मदर हैज इरेस्टिबल डिजायर टू बियर डाउन टू पुश द बेबी एंड अंटिल द बेबी डिलीवर्ड, उसको एक्सपल्सिव फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद है एक्सपल्सिव फेज के बाद विद अ फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स द मेम्ब्रेन। ये इवेंट्स है, उसमें क्या क्या इवेंट्स है, तो क्या क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, जब सर्विक्स फुल डायलेट हो जाता है, उसके बाद जो मेम्ब्रेन होता है, जो बेबी मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन के अंदर बेबी रहता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर वो जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, और फिर उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे कि यूट्राइन कैविटी का जो साइज होता है, वॉल्यूम होता है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रांगली होता है और अच्छे से होता है, जिससे जो बेबी होता है वो बाहर की तरफ डिसेंट होता है, नीचे की तरफ डिसेंट होता है, नीचे की तरफ आता है। तो द यूट्रस बिकम्स इलांगेटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूट्रस लंबा हो जाता है, इलांगेटेड हो जाता है, वाइल द एंट, और उस टाइम जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है पेल्विस का, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। द इलांगेशन इज पार्टली ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, वो जो इलांगेशन होता है वो, क्योंकि वो सर्कुलर जो मसल फाइबर होता है यूट्रस के, वो सर्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूट्रस का इलांगेशन हो जाता है सर्कुलर मसल फाइबर की वजह से। फिर उसके बाद क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता है, फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस इज एकम्प्लिश्ड बाय, जो डिलीवरी ऑफ फीटस वो कैसे होता है, एकम्प्लिश्ड बाय डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑफर्ड बाय यूट्राइन। जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोस्तों अगर आपको ये जो टॉपिक है वो और अच्छे से समझना हो तो इसके लिए हम अलग वीडियो बना चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि पूरा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ही है, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो डिलीवरी ऑफ द फीटस इज अकम्प्लिश्ड बाई डाउनवर्ड थ्रस्ट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेबी नीचे की तरफ धक्का मिलता है उसको, और एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्लस बाहर से आउटवर्ड से जो नर्स होती है वो भी फोर्स लगाती है और मदर भी फोर्स लगाती है, जिससे बेबी जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। और उसमें एक और चीज़ होता है, जो पेल्विक फ्लोर होता है वो उल्टा फोर्स लगाता है, जैसे इधर से मदर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, उधर से पेल्विक फ्लोर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे फोर्स जो दोनों फोर्स होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, जिससे जो बेबी होता है उसका ऊपर की तरफ भी जाने का चांस होता है। देर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू पुश द फीटस बैक इन टू द यूट्राइन कैविटी, ये हमेशा एक ऐसा चांस बना रहता है कि जो यूट्रस जो बेबी है फीटस है वो यूट्राइन कैविटी में पुश बैक फीटस इन टू द यूट्राइन कैविटी में जाने का चांस होता है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर इलास्टिक होता है, और क्योंकि इधर से पेल्विक फ्लोर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इधर से मदर का कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन हो रहा है, प्लस मदर का एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे कि वो जो फोर्स है जो कि पेल्विक फ्लोर ऊपर की तरफ बेबी को ढकेलता है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, और बेबी नीचे की तरफ फीटस जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। फिर दस विद द इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, द अपर सेगमेंट बिकम, जो अपर सेगमेंट होता है वो और थिकर होता जाता है और जो लोअर सेगमेंट होता है वो पतला होता जाता है, क्योंकि लोअर सेगमेंट स्ट्रेचिंग स्ट्रेच भी होता है। तो इंडोर्ड विद द पावर ऑफ रिट्रैक्शन, जैसे कि रिट्रैक्शन होता है फीचर जो फीटस है वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, जो पेल्विक फ्लोर फोर्स लगा रहा है रेजिस्ट कर रहा है बेबी को अंदर की तरफ ढकेल रहा है, और उधर रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी बाहर की तरफ यूट्रस से बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये है पूरा इवेंट, ये होता है पूरा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फिर से बताते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिट्रैक्शन होता है, जिसमें जब पूरा फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है उसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसमें से कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि बेबी डिसेंट होता है नीचे की तरफ, और प्लस जो पेल्विक फ्लोर होता है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है बेबी को अंदर ढकेलता है, पर ये रिट्रैक्शन जो फोर्स अपना लगा के और बेबी को बाहर ढकेलता है, एक फोर्स बेबी को बाहर ढकेल रहा है एक फोर्स अंदर ढकेल रहा है। तो ये होता है पूरा इवेंट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का। अब मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या मैनेजमेंट करना रहता है, कैसे बेबी को बाहर निकालते हैं वो देखते हैं। तो द ट्रांजिशन फ्रॉम, तो जब आप सेकेंड फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में आते हैं तो कुछ फीचर्स होते हैं जिनके वजह से पता चलता है कि जो पेशेंट है वो सेकेंड फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में आ चुकी है, जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी का और ड्यूरेशन का इंक्रीज हो जाना, और मदर को ऐसा अर्ज आता है, जैसे कि अभी पहले बताया है कि मदर को बियर डाउन वो बेबी को पुश करती है, तो उसको ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो पुश करना चाहती है बेबी को, तो जब ऐसा अर्ज मदर को आने लगे, और प्लस कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, प्लस मदर का सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाए, तब से आप समझ सकते हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्या क्या है, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या मेन एम होना चाहिए हमारा, टू असिस्ट इन द नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ द फीटस स्लोली एंड टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी, मदर को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, उसे प्रिवेंट करना है, बेबी को भी कोई इंजरी से प्रिवेंट करना है,
प्लस जो फीटस एक्सपल्शन है वो स्लोली स्लोली होना चाहिए, वो भी नेचुरली, नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ द फीटस स्लोली एंड स्टेडली। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। इसके बाद प्रिंसिपल के बाद सॉरी प्रिंसिपल, उसके बाद फिर पोजीशन, प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। डिलीवरी का प्रिपरेशन कैसे होता है? तो पहले मदर को पोजीशन कौन सा देना रहता है? डॉर्सल पोजीशन विथ 15 डिग्री लेफ्ट लैटरल टिल्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट लैटरल पे थोड़ा मुड़ा हुआ 15 डिग्री बस, और मदर डॉर्सल पोजीशन में होनी चाहिए। और टॉयलेटिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विथ एंटीसेप्टिक एंड बिटाडीन एंड एनएस, जो मदर का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसके थ्रू बेबी बाहर आने वाला है, उसमें कोई इन्फेक्शन या कुछ ना हो, उसके लिए हमें उसको एंटीसेप्टिक से, बिटाडीन से और एनएस से उसको धुलना है, वॉश करना है। और अगर मदर का ब्लैडर फुल है, उसमें यूरिन है, तो उसको कैथेटराइज करके ब्लैडर को खाली करना है। प्रिपरेशन, ये था प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, प्रिपरेशन हो गया। फिर उसके बाद कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, कि बेबी को डिलीवर करना है, तो डिलीवरी ऑफ द हेड। तो सबसे पहला आता है डिलीवरी ऑफ हेड। तो हमें हेड की डिलीवरी कैसे करनी है? टू मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड, टू प्रिवेंट इट्स अर्ली एक्सटेंशन एंड टू रेगुलेट इट्स स्लो स्केप आउट ऑफ द वल्वल आउटलेट। कैसे? हमें जो बेबी का जो जो एक नर्स होती है, उसको बेबी का जो हेड होता है उसको फ्लेक्स रखना है। क्यों रखना है ये बता रहे हैं अभी। एंड द पेशेंट इज, और मदर को हमेशा इनकरेज करना है ताकि वो पुश करती रहे। जैसे कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मदर भी अपने तरफ से एफर्ट लगाए, पुश करे जिससे बेबी डिसेंट हो। और ये मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड, हमेशा बेबी का जो हेड है वो फ्लेक्स्ड होना चाहिए। और कैसे करना है वो? व्हेन द स्कैल्प इज विजिबल, जब बेबी का जो हेड होता है, जो स्कैल्प होता है, वो 5 सेंटीमीटर डायमीटर तक दिखने लगे, तो हमें अपनी नर्स को उंगली का यूज करके, और बेबी का जो हेड होता है, ऑसीपुट होता है, उसको नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ धक्का देना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, जिससे जो बेबी का हेड है वो उसके चेस्ट की तरफ मुड़ जाए और बेबी का हेड फ्लेक्स्ड हो जाए। और उसका जो नर्स का जो राइट हैंड है वो उसके वल्वा पे, उसके पेरिनियम पे रहना चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड है उससे उसको बेबी को के हेड को फ्लेक्स करना है उसके चेस्ट की तरफ। तो ऐसे हमें बेबी के फ्लेक्शन को, हेड को फ्लेक्स रखना है। क्यों रखना है? व्हेन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। ये जो बेबी को के हेड को फ्लेक्स रखने का प्रोसेस है, अपने हाथ से उसके हेड को, ऑसीपुट को नीचे की तरफ और पीछे की तरफ धक्का देना स्लोली स्लोली, इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक अंटिल द सब ऑसीपुट इज प्लेस्ड अंडर द सिम्फिसिस। जो सब ऑसीपुट है, सब ऑसीपुट मतलब ऑसीपिट, ऑसीपुट बोन के जो नीचे का पार्ट होता है, बोन होता है, वो सब ऑसीपुट होता है, वो तब तक जब तक सब ऑसीपुट रीजन सिम्फिसिस प्यूबिस के पास ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस को रिपीट करना है, रिपीट करते रहना है। एट दिस स्टेज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेचेज, इस स्टेज पे जब उसका सब ऑसीपुट रीजन सिम्फिसिस प्यूबिस के पास आ जाता है, तो उसका वल्वा पूरी तरह स्ट्रेच हो जाता है बाय पैराइटल डायमीटर, वल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन ऑफ द हेड। रिसेशन मतलब कि बिना सिर नीचे हुए वल्वा स्ट्रेच हो जाता है इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर है वो मुड़ने का चांस होता है। तो इस स्टेज में बेबी का जो बीपीडी होता है बाइपैरिएटल डायमीटर, वो वल्वा को पूरी तरह स्ट्रेच करता है बिना सिर नीचे की तरफ मुड़े हुए। एंड इसका पर्पज ये होता है कि इसलिए किया जाता है
बार बार फ्लेक्शन इसलिए बेबी का हेड फ्लेक्स किया जाता है क्योंकि टू इंश्योर दैट द स्मॉल सब ऑसिपिटल फ्रंटल, जो सब ऑसिपिटल फ्रंटल का डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, वो वल्वल आउटलेट को डिस्टेंड करे, फैलाए, इंस्टीड ऑफ लार्जर ऑसिपिटो फ्रंटल। लार्जर ऑसिपिटो फ्रंटल, ऑसिपिटो फ्रंटल ये होता है ऑसिपुट बोन से लेके फ्रंटल बोन तक का जो डायमीटर होता है, वो वल्वा को स्ट्रेच ना कर दे, बल्कि जो सब ऑसिपुटल फ्रंटल डायमीटर होता है वो वल्वा को स्ट्रेच करे। इसके लिए बार बार बेबी के हेड को फ्लेक्स करना रहता है, बेबी का हेड फ्लेक्स होना चाहिए चेस्ट की तरफ। स्लो डिलीवरी ऑफ द हेड इन द इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन इज, अब इस तरह से बेबी का जो हेड है वो बाहर आ जाता है। दिस इज डन व्हेन द सब ऑसिपिटल फ्रंटल डायमीटर इमर्ज्ड आउट, हमें बेबी के हेड को धीरे 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 बाहर की तरफ लाना है। ये देखिए इस तरह बेबी का हेड बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद रेस्टिट्यूशन होता है, ये घूमता है बेबी का हेड और फिर इस पोजीशन में आ जाता है बेबी का हेड। फिर बेबी का हेड डिलीवर हो गया, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, वेट फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू कम एंड फॉर द मूवमेंट। बेबी का हेड डिलीवर हो गया, उसके बाद अगला जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें बेबी का शोल्डर डिलीवर होता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बेबी का जो शोल्डर है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो हमें बेबी के हेड को पकड़ना है और उसे जेंटली धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचना है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने दोनों हाथ से बेबी के हेड को पकड़ के और धीरे धीरे उसे ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करके बेबी के सिर को धीरे से बाहर खींचना है और बेबी का हेड इस तरह से बेबी का शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। बेबी का शोल्डर डिलीवर होने के बाद फिर डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ शोल्डर, शोल्डर के डिलीवर होने के बाद हमें अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को बेबी के एक्जिला में फंसाना है और उसके बाद उसको धीरे धीरे बाहर की तरफ खींच लेना है। इस तरह से पूरा बेबी डिलीवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, उसके बाद तुरंत बेबी का केयर करना है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।